हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना को बांटने वाले चीन पर भारत सरकार द्वारा भरोसा करने पर एतराज जताया है, सवाल उठाए हैं। चीन से मंगवाई गई कोरोना जांच की किट में जब खामियां सबके सामने आम हुई तो अखिलेश के सवाल का वास्ता भी उन्हें जांच किटों से है। अभी अभी तो भारत चीन की धोखेबाजी का शिकार बना था, फिर से उस पर भरोसा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर में ये धोखा है। अखिलेश ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिखा। चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली ICMR को इस विषय में पहले से ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई उसके परिणाम कितने सटीक थे। ये अखिलेश का सरकार पर सीधा वार है। अभी हाल ही में चीन से आई PPE किट पर सवाल तो उठे ही थे, चीन पर आरोप लग रहे थे उसने बेहद ही घटिया PPE किट भेजी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसके PPE किट की आलोचना हो रही है। बावजूद इन सब के भारत ने एक बार फिर से चीन पर भरोसा किया और रैपिड टेस्टिंग किट मंगा ली। अब पता चल रहा है कि चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी है। रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी की शिकायत इससे पहले राजस्थान ने की। इसके बाद से ही ICMR ने एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी। ये रोक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी लगाई गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सभी राज्यों को कह रहा है कि वो 2 दिन के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोक दे। फिलहाल ICMR इस मामले में छानबीन कर रहा है। क्योंकि कई राज्यों ने शिकायत दी कि इसके नतीजों में 6% से 71% तक का उतार चढ़ाव दिख रहा है। ICMR ने कहा है ये बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है, हो सकता है कि किट को बदलने की जरूरत पड़े। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस चीन ने खराब PPE किट भेजी थी आखिर उसी चीन पर रैपिड टेस्टिंग किट के लिए भरोसा क्यों किया गया, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो टेस्टिंग से पहले रैपिड टेस्टिंग किट की जाँच क्यों नहीं की गयी।